हमें इतनी जल्दी सारे मामला तय नहीं करने चाहिए थे। मिनल से पूछना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा टाइम ले लेते तो हो सकता है कि सब कुछ फाइनल होने से पहले हफ्सा की सारी हकीकत हम पर खुल जाती। अब जो खत्म हो गया है उस बात का जिक्र करने का क्या फायदा जायदा? वली को वो बताओ जो हमने आगे इसके बारे में सोचा है। टाइम है प्लीज, मुझे अभी आप लोग शादी करने का मत कहिएगा। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें हफ्सा से इतनी मोहब्बत थी कि उसके लिए तुम किसी और से ना शादी करने का फैसला कर बैठे हो? नहीं मामा, मैंने ऐसा कब कहा? ना ही मुझे हफ्सा से बेहद मोहब्बत हुई थी और ना ही मैंने ये कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। करूंगा मैं शादी, लेकिन अभी इन हालात की वजह से थोड़ा परेशान हूं और सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे मिनल की हो रही है। बेटा मेरी बात हुई थी मिनल से, वो बिल्कुल ठीक है और खैरियत से है। तलाल ने उसे बहुत मजबूती दे रखी है। अल्लाह खुश रखे उसे, थोड़ा और उसे उस घर में सेट होने दे, जब तक हफ्सा का भी मूड नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपका जहां दिल करे मेरी शादी कर दीजिए। गलत तो नहीं कह रहा है वली, बात तो सही है इसकी। ठीक है, तुम थोड़ा और वक्त ले लो, मिनल से भी मशवरा कर लेते हैं और हो सकता है कि हफ्सा का भी गुस्सा उस वक्त तक ठंडा हो जाए। जिस तरह हफ्सा यहाँ कहकर गई थी, अगर उसने जरा सा भी मिनल को तंग किया तो मैं मिनल को उस घर में रहने नहीं दूंगा। तलाल को उसे लेकर अलग घर में रहना होगा।